फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि हमारी बहुत हंसी खुशी हमने इसको एंजॉय किया पहले दिन से लेके और ये 9वें दिन तक। आज है 9वां दिन। आज हम माता रानी को विदा कर रहे हैं, इन्हें भोग लगा रहे हैं। तो अब सभी लोग जानते हैं कि इनको किस तरीके से हम लोग करते हैं इनकी पूजा, लेकिन फिर भी मेरे घर में कैसे मैंने किया इनको विदा, इनका भोग कैसे तैयार किया, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फुल व्लॉग मेरा फुल एंजॉय कीजिए, प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और देखिए मैंने किस तरीके से प्रसाद बनाया है। मैंने हलवा बनाया है और बहुत छोटे छोटे क्लिपिंग में मैं आपको दिखाऊंगी, सब कुछ आपको बनाते हुए दिखाऊंगी। तो बहुत बड़ा व्लॉग तैयार होगा जाके ये, तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे क्लिपिंग में तैयार किया है। हलवा बनाया है, किस तरीके से मैंने ये काले चने बनाए हैं बॉईल करके, इनमें मैंने छौंक लगाया है। और ये जो प्रसाद होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सबसे बड़ी बात है कि इसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, सब कुछ अंदाजे से डालते हैं और फिर उसके बाद में ये परफेक्ट इसके अंदर मसाले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ और उसके बाद में सारी सफाई वगैरह करके मैंने माता जी का ये भोग तैयार किया है। तो ये है, मैंने चने काले चने बनाए हैं। माता जी का जो भोग होता है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है हलवा, चना, पूड़ी, ये तीन चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन साथ में हम लोग क्या होता है कि बच्चे आते हैं, कन्याएं जो आती हैं वो अच्छे से खाना खा के चली जाएं, तो इसके लिए हम लोग कोई सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो मैंने बनाई है ये आलू टमाटर की सब्ज़ी। आप सब्ज़ी कोई भी बना सकते हो, आलू गोभी, आलू टमाटर, सीताफल, कुछ भी बना सकते हो आप। वेजिटेबल सब्ज़ी होनी चाहिए, मतलब वेज में कुछ भी आप, छोले पूड़ी कुछ भी आप दे सकते हो, जिससे कि बच्चे अच्छे से खा सकें। और इसमें आज के दिन प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए एंड में मैंने इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के सब्जी हो गई है अब तैयार। अब बनाते हैं हम पूरियां बना रहे हैं हम। अभी हम पूजा के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर इसके बाद में और पूरियां बनेंगी भोग लगाने के लिए, कंजी के आएंगे उनके लिए। तो ये पूरियां हमारी तैयार हो गई है, अब हो रही है हमारी घर में पूजा की तैयारी। आज घर में सभी हैं, आज सबकी छुट्टी है, बच्चे भी हैं, तो पूजा की तैयारी में पूजा करने के लिए आज सभी बच्चे बड़े सब पूरी फैमिली बैठेगी, सब लोग पूजा करेंगे शांत मन से, अच्छे भाव से। उसके बाद हम कन्याओं को भोग लगवाएंगे। तो ये देखिए जी दोस्तों, कन्याएं आ गई हैं घर में, अब इनको भोग की तैयारी हो रही है। जो हमने प्रसाद बनाया था मैंने, वो मैं इनको खिलाऊंगी। सबसे पहले मैंने इनको तिलक लगाया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके पैर धोते हैं, गंगा जल लेके पानी लेके पैर धोते हैं। तो वो वीडियो शायद मुझसे मिस हो गई है, तो वो मैंने तिलक लगाया, कलावा बांधा, फिर मैं इनको खाने की तैयारी की है मैंने इनकी। तो मैं इनको प्रसाद दे रही हूँ, खाना खिला रही हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रसाद इन्होंने बच्चों ने खा लिया है। अब प्रसाद खाने के बाद में इनको हम दक्षिणा दे रहे हैं।
यानी कि बच्चों को आप कुछ गिफ्ट भी दे सकते हो, देना चाहो तो। मैं हर बार इनको बॉटल, लंच बॉक्स वगैरह ऐसे कुछ भी दे दिया करती थी। इस बार मैं कुछ गिफ्ट लेकर नहीं आई, तो मैंने इनको बच्चों को कैश दिया। तो मम्मी इनको कैश दे रही हैं, पैसे दे रही हैं। बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ख़रीद लेंगे जो इनकी इच्छा रहेगी। उसके बाद हम पैर छूते हैं इनके, और अब ये मतलब फ्री हैं। ऐसा ही होता है सभी के घरों में। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग के यहाँ कैसा होता है कंजके का जो पूजन होता है। अब बच्चे बहुत खुश हैं, बच्चे जा रहे हैं, आप सबको बच्चे बाय कह रहे हैं। जब बच्चे जाने वाले थे तो मेरे दिल में आया कि एक बार मैं इनको अपने हाथों से खिलाऊं। फिर पता नहीं कितने टाइम बाद ये मौका मिलेगा, तो मैंने बच्चों को अपने हाथों से अब प्रसाद खिलाया है और मेरे मन को बहुत सुकून मिला। ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी कन्या और हमारे घर के अंदर आई। जब सब विदा हो गए थे तभी आई थी, तो मैंने तिलक लगाया, कलावा बांधा, सब कुछ करके मैंने इनको भी खिला पिला के विदा किया। कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ आप बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। बाय फ्रेंड।